आज वो आपने मेंटेन किए बल्कि इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो मैं आपको बधाई दे संतोष करता हूं। देखिए स्कॉलरशिप्स, मुझे अंदाजा ही नहीं था जब हम पावर में आए कि कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि वो इतना एक डिवॉल्व किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद कि सूबे कितने स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंट मसल एहसास की हमने अलग स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन की अलग, तो हमें आइडिया ही नहीं था। और मुझे कई दफा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि जो हमें नजरअंदाज किया गया, मेरिट नहीं है। फिर जब वो अपने कोर्स पढ़ रहे, स्कॉलरशिप पे पैसे खत्म हो गए, वो कोई चक्कर लगा रहे, तो इतने मुझे कंप्लेंट्स आए। तो मैंने तब फैसला किया कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे हैं, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुल्क की क्या जरूरियात है और स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट के लिए मिले उसका कनेक्शन ही नहीं है। तो जो तालीम का निजाम है उसकी सबसे बड़ी, जो अगर मैं कहूं कि तालीम का निजाम हम बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए नेशन बिल्डिंग। सेकेंडली वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए, उनका कनेक्शन है नेशन बिल्डिंग और मुल्क को उठाने का, वो अभी कनेक्शन नहीं है। कई सब्जेक्ट्स हैं उनकी रेलेवेंस ही खत्म हो गई है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के अंदर कई सब्जेक्ट्स के अंदर कई प्रोफेशन में लोग ही नहीं लेते, और उनको अगर हम लेते हैं तो उनकी इतनी ज्यादा उनको सैलरीज प्राइवेट सेक्टर में देनी पड़ती है। अगर साथ वाले हिंदुस्तान में देखो तो उनकी, क्योंकि वो उनकी तालीम वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है वो प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं है। सो इसलिए ये आइडिया आया कि एक पोर्टल बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, हमारी जो सिटीजन पोर्टल का एक जो अभी आपने बड़ी तफसील में बताया गया कि उसके अंदर उसको एक एक्सक्लूसिव उसके लिए हो स्कॉलरशिप्स के लिए एक सेक्शन, तीन लोग पैदा नहीं बन गए जो उस रास्ते में बने थे, तो ये फैक्ट है हिस्टोरिकल। सो इसलिए इसका एक मकसद होगा कि हम अपने यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ स्कॉलरशिप्स पर लेके जाएं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, दूसरा उनको इंसान बनाए जो रहमतुल आलमीन की उनकी बेसिक तरबियत करें, और तीसरी चीज मेरिट लेके आए, और चौथी चीज कि उस तबके से हम लोगों को ऊपर लेके आए जिसमें सबसे ज्यादा हंगर और ड्राइव है। देखिए मैं क्रिकेट जब खेलता था तो मैं एचएसएन कॉलेज गया, सबसे बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एचएसएन कॉलेज में थी, हमारे पास ग्राउंड है थी, हमारे पास कोचेस थे, लेकिन जब हमारा मैच होता था क्लब से, जिनके जो वो खिलाड़ी थे वो सड़कों पे खेलते थे रात को, वो मिंटो पार्क में खेलते थे, वो उनके अंदर जो हंगर और ड्राइव थी वो हमारा एचएसएन कॉलेज के लड़के उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसी तरह नवल यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि वहां 92% स्कॉलरशिप्स पर बचे हैं, सब ज्यादा गरीब घरानों के हैं, मेरिट के पर आए। नवल यूनिवर्सिटी जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज एफिलिएटेड थी, आधी 50% को फर्स्ट डिव्स बनती थी ब्रैडफोर्ड पर, क्योंकि वो मेरिट बहुत करते थे। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब प्रोफेसर ने आकर उनको देखा तो वो कंपेयर कर रहा था कि ब्रैडफोर्ड में उनके स्टूडेंट्स वो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी वो मेहनत करते थे, जितनी उनकी हंगर और ड्राइव थी, तो जो हमारा क्रिकेट में ऊपर आते थे वो हमारी तरह के प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे उनका मुकाबला नहीं करते थे, उनमें ज्यादा ड्राइव थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो ड्राइव है जिस सेक्शन पे, उनको हम स्कॉलरशिप्स देकर ऊपर लेके आए,
और इसीलिए ये स्कॉलरशिप्स के अंदर मेरिटोक्रेसी हमें चाहिए। ये जो आप पोर्टल बनाए इसमें ये इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी, फिर कंप्लेंट्स कैसे आते हैं उन कंप्लेंट्स की रिड्रेसिंग होगी। ये जो बिल्कुल अभी बात ठीक की गई कि स्टूडेंट के पैसे रुक जाते हैं, वो धक्के खाता पड़ता है, कभी इधर भागता है उधर, ये सारा कुछ इस पोर्टल के ऊपर हम एड्रेस करेंगे ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स आए उनको उनको सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, उनको ये फिक्र ना हो कि ये जो प्रॉब्लम्स उनको आते हैं जब एक दफा स्कॉलरशिप मिल जाए, तो स्कॉलरशिप भी मेरिट पर मिले और जब मिल जाए तो उनको ये फिर प्रॉब्लम्स ना हो जो कि हमारी हमारे नौजवानों को बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे कई दफा हमने बाहर भेजे हुए स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे, उनकी मैसेज आती है कि पैसे रुक गए, ऐसे कभी कोई चीज ना हो, और इसलिए फिर यह हमने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का पोर्टल बनाया। मैं अपनी जो टीम है आदिल आपको जो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल के अंदर जो टीम बैठी है जिन्होंने मेहनत करके पोर्टल डेवलप किया है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तकरीब के खिताब कर रहे हो संचवण हो त मुल्क में 28 नयूं जमायतूं ठही रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त सॼे मुल्क जे शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप बहितरीन पोर्टल आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त मुल्क में स्कॉलरशिप ते हुकूमत 28 अरब ख़र्च करे चुकी आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त जॾहिं मां हुकूमत में आयसि त स्कॉलरशिप ते शिकायतूं मिलियूं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त नस्ट मुल्क तालीम लाइ आला मयार क़ाइमु कयो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त तालीम जो बुनियादी मक़सदु क़ौम जी तामीर आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त सॼे मुल्क जे शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप कम्पलीट पोर्टल आहे। नौजवाननि खे इस्लामी रियासत बाबति ॼाण ॾियण असांजा फ़र्ज़ु आहे।